तमिलनाडु के डिंडिगुल की खूबसूरत और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है कोडाईकनाल। तमिल भाषा में इसके नाम का मतलब जंगल का उपहार है। यहाँ के क्लाइमेट को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि दक्षिण भारत में इतना ठंडा मौसम भी हो सकता है। कोडाईकनाल को क्वींस ऑफ हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। हिल स्टेशन के कारण ही ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। आप भी अपनी छुट्टियों को कोडाईकनाल आकर और भी यादगार बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ की खूबसूरत जगहों के बारे में। कोडाईकनाल लेक। स्टारफिश के डिजाइन जैसी ये लेक करीब 60 एकड़ में फैली है और इसमें बोटिंग, पैडल बोटिंग से आसपास के नजारों का मजा लिया जा सकता है। साथ ही शिकारी में बैठकर कश्मीर की डल लेक की फीलिंग भी ले सकते हैं। लेक के साथ साथ बनी सड़क पर घुड़सवारी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ रेंट पर साइकिल भी मिलती है। साइकिल से घूमकर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की फोटो क्लिक कर कोडाईकनाल लेक की यादों को सहेज कर रख सकते हैं। बियर शोला फॉल। कोडाईकनाल लेक से करीब 2 किलोमीटर दूर है बियर शोला फॉल। नाम के जैसे यहाँ पर एक झरना है जिसमें भालू पानी पीते हुए दिख जाएंगे। यहाँ भालू ज्यादा होने के कारण इसका नाम बियर शोला फॉल पड़ा है। कोकर्स वॉक। हरी भरी पहाड़ियों के बीच लगभग 1 किलोमीटर लंबे वॉक में आपको कई सारे ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस जगह का नाम लेफ्टिनेंट कोकर के नाम पर है जिन्होंने कोडाईकनाल का मैप बनाया था। हरियाली के बीच पहाड़ों पर चलते हुए लगता है कि आप बादलों के करीब हैं। ये एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुरंजी अंदावर टेम्पल। कोडाईकनाल लेक से 3 किलोमीटर दूर कुरंजी अंदावर टेम्पल है जिसमें लॉर्ड मुर्गन की पूजा होती है। लॉर्ड मुर्गन को पहाड़ों का देवता माना जाता है। 1936 में एक यूरोपियन महिला ने ये मंदिर बनवाया था। मंदिर के चारों ओर कुरंजी फूलों के गार्डन हैं। कुरंजी फूल भारत साल में एक बार खिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी फूल के नाम पर इस मंदिर का नाम कुरंजी अंदावर मंदिर रखा गया। पिलर रॉक्स। पिलर रॉक्स कोडाईकनाल लेक से 7 किलोमीटर दूर है। नेचर का बनाया ये अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर 3 बहुत बड़े रॉक्स हैं, जिनकी ऊंचाई 120 मीटर है। इनके सामने बने मिनी पार्क से इसका व्यू देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है और बारिश होने पर यहाँ कभी कभी फॉग बन जाती है जिससे ये रॉक्स थोड़े से ढक जाते हैं और तब इनको देखना मिस्टीरियस लगता है। डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज ट्रैकिंग के लिए फेमस है जो कोडाईकनाल से करीब 8 किलोमीटर दूर है। 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर घाटियों और झीलों के नजारे को देखना वाकई एक अलग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इस पहाड़ से कोडाई की लेरिल झील भी दिखती है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ग्रीन वैली व्यू। ये खतरनाक घाटी 5000 फीट ऊंची है। इससे पहले इसे सुसाइड पॉइंट कहते थे। ग्रीन वैली व्यू में कई गहरी घाटियां और हरी भरी पहाड़ियों का नजारा देखा जाता है। सिल्वर कास्केड। मदुरई से कोडाईकनाल आते समय एक झरना है जो जमीन से 180 फीट ऊंचाई से गिरता है जिसका नाम सिल्वर कास्केड झरना है जो कोडाईकनाल लेक से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ झरने से आने वाले पानी की आवाज के अलावा कोई और शोर सुनाई नहीं देता, इसलिए यहाँ टूरिस्ट रिलैक्स करते हैं। ब्रायंट पार्क। ब्रायंट पार्क 20 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में कई फूलों और कुछ खास किस्म के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। पार्क में ग्लास हाउस भी है जिसमें बहुत से आर्किड के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ 160 साल पुराना यूकेलिप्टिस का पेड़ है जो करीब 250 फुट ऊंचा है। कहाँ ठहरें? कोडाईकनाल में बियर शोला रोड और 7 रोड के मेन मार्केट में कई होटल और लॉज हैं। सहूलियत और बजट को ध्यान में रखते हुए इनमें कहीं भी ठहर सकते हैं। कब जाएं? कोडाईकनाल के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के बीच और सितंबर से अक्टूबर के बीच का है। कैसे जाएं? हवाई मार्ग। कोडाईकनाल से मदुरई हवाई अड्डा 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ 2 और एयरपोर्ट त्रिची और कोयम्बटूर भी हैं, जहाँ से आसानी से कोडाईकनाल के लिए टैक्सी और बस मिल जाते हैं। सड़क मार्ग। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, त्रिची और चेन्नई से यहाँ के लिए बस सेवाएं हैं। रेलवे मार्ग। कोडाईकनाल रोड रेलवे स्टेशन कोडाईकनाल से 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके पास का रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर जंक्शन है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु शहरों से जुड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।